कब के भी लिखा था बुलडोजर बाबा मजाक के माध्यम से, अवैध मदरसों के माध्यम से और बहुत सारे तेंदुल के माध्यम से वहाँ आबादी बनाने का काम और तस्करी का काम बहुत सारी अवैध गतिविधियाँ एक बार विशेष की आबादी ने पूरे संतुलन को ध्वस्त कर दिया। चाहे इन लोग का स्वभाव ही होता है कि कहीं जहाँ थोड़ा मौका खाली देखे फट से एक छोटा सा मजाक बना करके घेर घर करके अगरबत्ती फूल चढ़ा करके और इसको डेवलप करने लगते हैं। तो एक बार विशेष उसके अंदर संवेदन भूता आ गई थी, गरीबी उनकी शिक्षा उनकी मजबूरी का बेजा फायदा उठा करके मस्जिद बड़े बड़े मकबरे जब बन करके तैयार हो जाते हैं, मदरसे बन करके तैयार हो जाते हैं तब संज्ञान में आता है जी। तो कहते नहीं बहुत पुराना नया मदरसा है। और आप जानते हैं कि योगी जी की सरकार में अवैध रूप से चाहे वो किसी भी प्रकार के कोई संस्थान हो चाहे जितनी बड़ी पहुँच वाले लोग हो वो बुलडोजर से जो है बच नहीं सकते। इस समय बलरामपुर जिले में है और बलरामपुर के विधायक कैलाश नाथ तिलक जी के यहाँ मौके हम यहाँ चाय आई है और इस चाय का पूरा कप भगवा रंग का है और खास बात इसमें यह है कि ये बुलडोजर छपा है और कप पे भी लिखा है बुलडोजर बाबा। ये खास बात यहाँ हमें दिखी कि चाय के कप पे भी बुलडोजर का क्रेज है। नेपाल सीमा पर बढ़ रही एक पक्षीय आबादी पर ऑफ इंडिया की टीम जांच करते हुए और रिसर्च करते हुए इस समय सीमावर्ती तुलसीपुर क्षेत्र में आ रही है। तुलसीपुर क्षेत्र बेसिकली माता देवी पाटन के नाम से प्रसिद्ध है कि सब लोग यहां बताते हैं कि यहां माता जी के पट यानी वस्त्र भी देते हैं। लेकिन यहां जिस प्रकार की ग्राउंड रिपोर्ट पर हमको गतिविधियाँ दिखीं उसके बारे में थोड़ा सा पुष्टि के तौर पे हम इस समय वहाँ भारतीय जनता पार्टी से विधायक कैलाश नाथ शुक्ला जी के साथ में हैं। विधायक जी पहले तो आप इंडिया में अच्छा विधायक जी एक खबर पूरे देश और दुनिया में आ रहा है क्योंकि आप सीमावर्ती बताया जा रहा है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में आपके खास एक पक्ष यानी मुस्लिम निश्चित रूप से आपकी या मीडिया की जहां से भी सूचना आई सही है। चूंकि तुलसीपुर का उत्तरी क्षेत्र वो नेपाल के सीमा को छूते हुए जाता है और उधर का क्षेत्र पहाड़ी जंगलों से घिरा हुआ दुर्गम रास्ते हैं, बहुत ही मुख्यालय से बहुत ही दूर है जी। तो इस कारण वास्तव में जो शासन प्रशासन की को वहाँ के गतिविधियों की जानकारी नहीं मिल पाती है जी। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि नेपाल की सीमा पर होने के कारण उस भी क्षेत्रों में नेपाल के माध्यम से कहीं ना कहीं जो देश द्रोही शक्तियाँ हैं वो अपना आबादी बढ़ाने के माध्यम से और संसाधन देने के माध्यम से वहाँ एक बल विशेष को मजबूत कर रही है और ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय शासन को। कल मैं तुलसीपुर से जरवा के बीच गया जी और कम से कम 20 मजारे 20 लगभग से 20 मजारे वहाँ दिखी। इस पे आप क्योंकि विधायक हैं तो क्या प्रशासन संज्ञान नहीं लेता कि ये क्यों बढ़ रही है अचानक नई नई मजारे कहाँ से पैदा हो रही है? वास्तव में हम लोग भी अपने मानते हैं और कुछ भौगोलिक स्थिति है इस कारण जो वहाँ की वस्तु स्थिति है उसके बारे में शासन प्रशासन को पहली बात बताने में कहीं ना कहीं कोताही हुई और अगर बताया भी गया तो शासन प्रशासन की ओर से भी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। और ये आपकी बिल्कुल सूचना सही है मजार के माध्यम से मदरसों अवैध मदरसों के माध्यम से और उसके बहुत सारे सांस्कृतिक केंद्रों के माध्यम से वहाँ आबादी बढ़ाने का काम और तस्करी का काम बहुत सारी अवैधानिक गतिविधियाँ चल रही हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जो है शासन प्रशासन कुछ संज्ञान लिया है लेकिन फिर भी अपेक्षित कदम नहीं उठाए। कल एक तहसील भी आपके इसी मार्केट की तहसील में तहसील पूछे एक वकील साहब भी ने जो ये सब काम कराते हैं रजिस्ट्री का, उनका कहना है कि रजिस्ट्री कराने जो बेच रहे हैं वो अधिकतर हिंदू है वो खरीद रहे हैं, ये सही है? हाँ ये भी सही है। अब इसके पीछे कुछ तो आर्थिक कारण हो सकते हैं
उससे बड़ा कारण जो है, जो मेरे समझ में आता है, जहाँ एक वर्ग विशेष की आबादी ज्यादा है और जो खासतौर से हिंदू समुदाय जहाँ अल्पसंख्यक हो रहा है, तो उनके परिवेश में, उनके दबाव में वो नहीं रह पा रहे हैं, तो इस कारण वो लोग प्रकार से पलायन की परिस्थिति में है और उनके पलायन के स्थिति का बेजा फायदा उठाते हुए और एक वर्ग विशेष के लोग उनकी जमीन खरीद करके, उनका घर मकान खरीद करके, उनके प्रतिष्ठान को खरीद करके और धनाढ्य भी हो रहे हैं और सारी गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं। भाजपा के नेता है, एक सवाल था कि आप चूंकि यहाँ एक अपने साथ शायद पूरा जीवन बिता रहे हैं, तो जो डेमोग्राफी यानी आबादी का संतुलन अभी दिख रहा है, तो आपके बचपन में था क्या ऐसा? नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत तेजी से संतुलन खराब हुआ है और जो आबादी का अनुपात था पहले उसको बिल्कुल ये कह दिए कि आप बढ़ती हुई एक वर्ग विशेष की आबादी ने पूरे संतुलन को ध्वस्त कर दिया है। तुलसीपुर में मस्जिद मदरसों की संख्या एक पर्याप्त संख्या है, गिनती में तो नहीं बता पाऊंगा लेकिन बहुत पर्याप्त क्या, बहुत अधिक है मदरसे इस प्रकार के जितने भी इनकी गतिविधियाँ हैं, मजार है, इन लोग का स्वभाव ही होता है कि कहीं जहाँ थोड़ा मौका खाली देखे फट से एक छोटा सा मजार बना करके ढेर घर करके अगरबत्ती फूल चढ़ा करके और धीरे 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 इसको डेवलप करने लगते हैं। अब वही बाद में उनके लिए अब गतिविधि का केंद्र बन जाता है। समस्या इसी पार है या उस पार से छुट्टी है? उस पार का क्षेत्र तो नेपाल में आ जाता है, तो नेपाल की स्थिति का भी जो नेपाल में कुछ होगा तो यहाँ ऑब्वियसली 100% असर पड़ेगा, तो यही चिंता का विषय है कि नेपाल की गतिविधियों का, नेपाल के उठा पटक का तो प्रत्यक्ष प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा और पड़ता है, क्योंकि नेपाल में चाइना से भी अवैध विधियाँ अनेक संभावना रहती है, उसी रास्ते से पाकिस्तानी बांग्लादेशी के विधि के भी अनेक संभावना रहती है, तो उसका दुष्प्रभाव। बचपन में आपने बताया इतनी आबादी में कौन किसी मिली थी अचानक, तो बचपन में यहाँ शांति और अब की शांति या अब के सामंजस्य में कोई फर्क आया है? पहले वास्तव में आपस का भाईचारा था और समुदाय के आधार पर सौहार्द रहता था। मैं एक उदाहरण बता दूं, पहले ये मुहर्रम का त्योहार हमारे इधर बलरामपुर जनपद में और मुंडोंडा भी था, हिंदू और मुसलमान सब मिलकर बनाते थे, बल्कि मुसलमान कम भाग लेते थे, हिंदू ज्यादा भाग लेते थे, एक सेंटीमेंट था, तो चूंकि प्रेम सौहार्द था हम लोग भी चंदा देते थे, जो है उस बचपन में ताजिया गाँव में आता था मुहर्रम का, हमने भी चंदा दिया है, लेकिन एक ही मेरे गांव में मुसलमान था लेकिन फिर भी हम सपोर्ट करते थे और होता था, तो प्रेम सौहार्द था। अब कहीं ना कहीं जो है जो एक वर्ग विशेष है उसके अंदर संवेदनहीनता आ गई है, जो सामाजिक सौहार्द होना चाहिए जिसको बिगाड़ने का काम उधर से ही होता है, तो ये सारी परिस्थिति है। लालू जनजाति यहाँ पे बताइए कि थोड़ी संकट में है, क्या उनके साथ भी कुछ? हाँ हाँ, लालू जनजाति की भी समस्या, प्रताड़ना क्या, उनकी गरीबी, उनकी शिक्षा, उनकी मजबूरी का बेजा फायदा उठा करके और ये वर्ग विशेष के माध्यम से जो अवैध गतिविधियों को चलाने वाले लोग हैं वो उनके ऊपर भी। अमित शाह जी ने राज्यों के डीजीपी को आदेश दिया है जिसपे स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग कर, तो आप यहाँ के प्रशासन से कुछ कोऑर्डिनेट करेंगे? गृहमंत्री जी का निर्देश आया है तो हम अधिकारियों के साथ बैठ करके मैं के डीएम एसपी को और स्वास्थ्य अवगत कराएंगे कि इस पर उनकी गतिविधियाँ चला करके और इसकी मॉनिटरिंग करें, जैसे
हमारे यहाँ एक नियम है कि मान लो कोई मंत्री बनाता है तो अनुमति लेकर तो बनाएगा, लेकिन चूंकि उधर बहुत रिमोट क्षेत्र में सारा है तो लोग जा ही नहीं पाते हैं। अब बड़े बड़े मस्जिद, बड़े बड़े मकबरे जब बन करके तैयार हो जाते हैं, मदरसे बन करके तैयार हो जाते हैं, तब संज्ञान में आता है जी। तो कहते नहीं वो पुराना मेरा मदरसा है, पुराना मस्जिद है, तो ये सारी बातें हैं जी। ये हम कहेंगे कि इस पर थोड़ा चेक एंड बैलेंस का भाव सरकार रखे। भाजपा विधायक ने स्पष्ट बताया है कि जी हाँ, यहाँ पे न सिर्फ और मुस्लिम की आबादी बढ़ रही है बल्कि उनकी इबादत गाहों की संख्या भी रैपिडली बढ़ रही है। और भाजपा विधायक का ये भी कहना है कि बचपन में जो यहाँ डेमोग्राफी थी इनके, वो अब नहीं है, और उस परिवर्तन के चलते न सिर्फ सांप्रदायिक तनाव बल्कि नवजिरा जैसी घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। बलरामपुर जिले से भारतीय जनता पार्टी के विधायक पलटू राम जी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ की डेमोग्राफी पे हमने रिपोर्ट की और काफी कुछ चीजें निकल के सामने आई, थोड़ी देर उनसे हम बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी, हमें ये जानकारी मिली है कि मतलब सीमावर्ती क्षेत्रों पे आबादी, मुस्लिम आबादी या एक पक्षी आबादी और उनकी इबादत गाहों में रैपिडली ग्रोथ हो रही है, तो कितना इत्तेफाक आप इन खबरों से रखते हैं, इन बातों से रखते हैं? नहीं, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जी कि जिस तरह से अभी मीडिया के द्वारा जी और अन्य संस्थाओं के द्वारा ये जानकारी मिली है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में जी एक विशेष समुदाय के द्वारा जी उनकी बढ़ती आबादी जी और उनके द्वारा स्थापित किया जा रहे विवादत का जी, ये अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जी। वैसे सरकार पूरी तरह से सजग है जी और सीमावर्ती क्षेत्रों में हमारी सरकार जी SSB के द्वारा जी अन्य सैनिक के द्वारा जी उसकी सुरक्षा की जा रही है जी। हम इसका ध्यान माननीय मुख्यमंत्री जी को जरूर अवगत कराएंगे जी। और आप जानते हैं कि योगी जी के सरकार में अवैध रूप से चाहे वो किसी भी प्रकार के कोई संस्थान हो, चाहे जितनी बड़ी पहुंच के वाले लोग हों, वो बुलडोजर से जो है बच नहीं सकते। मैंने सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया विधायक जी, वहाँ पे जो हिंदू समाज है सीमावर्ती, जैसे थारू हुए हो गए या अन्य लोग हो गए, आपकी सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं, तो खरे उतरेंगे आप? नहीं, पूरा खरे उतरेंगे और पूरा खरा उतर रहे हैं। अच्छा, ये बलरामपुर जनपद जो है जी ये सीमावर्ती क्षेत्र है और इस पर जो है हमारे कुछ विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा पूर्ववर्ती सरकारों में जो है जी, जी, एक विशेष प्रकार से उनको छूट दी गई थी जी, जी, और जिसका ये नतीजा हुआ कि धीरे धीरे वो अपना पैर फैला रहे हैं और जब से योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार बनी है तब से वो सुस्त होकर के अपने घरों में बैठे हैं। तो इस बारे में आप प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता करेंगे? इस बारे में हम जरूर प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता करेंगे और अगर ऐसा हो रहा है तो उस पर अंकुश लगाने के लिए, प्रभावी कार्रवाई करने के लिए हम उनसे बात करेंगे। विधायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ऑफ इंडिया से मैं राहुल बलरामपुर।